क्या बताऊं, मैं पिछले 2 दिन से मुझे नींद नहीं आई है और मैं जब भी फेसबुक खोल रही हूँ पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए। सही में राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और मैं सच में 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही मतलब मुझे खराब लग रहा है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था क्योंकि मेरे घर में एसी नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैं इस गर्मी में अपने घर में अपने रूम को मैनेज कर रही हूँ, अपने बच्चों को मतलब बच्चे को कैसे मैं इस गर्मी से राहत दे रही हूँ। उसमें काफी लोगों ने कहा इससे तो निमोनिया हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो बच्चे का सोच के जिसने भी कहा वो ठीक है, उसको वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो जिन्होंने कहा कि पागल है, कोई समझ नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप लोग कैसे किसी को ऐसे बोल सकते हो? और सही में बताओ, अगर एसी जब बचपन में तो मेरे घर में कभी एसी नहीं था और मेरे ससुराल में भी अभी एसी नहीं है, तो मैंने बचपन से ही ये चीजें देखा है और किया है, कभी तो हमें निमोनिया नहीं हुआ, तो कैसे मेरे बेटे को निमोनिया हो जाएगा? और खास करके ये जो 42 डिग्री की गर्मी है ना, इसको झेलने के लिए आप अगर ऐसे उपाय नहीं लगाओगे तो बिना एसी के आप रह भी नहीं पाओगे। और एसी आप बोल रहे हो कि आप इंस्टॉलमेंट में एसी ले लो, आप कूलर ले लो, एसी से ही तो आज का ये हालत है। आज एनवायरमेंट का जो हालत है वो किसकी वजह से खराब है? इतने जो एसी लग गए हैं, इतने जो मतलब पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसकी वजह से तो हालत है। तो मैं अगर बिना एसी के कोई भी मतलब इस तरीके से एक उपाय निकाली हो तो उसमें बुराई क्या है? और मेरा बेटे का तबीयत है वो खराब होगा, ऐसे तो गर्मी में भी खराब होगा, ऊपर से अगर वो एसी में रहेगा, बाहर स्कूल जाएगा तो उसमें भी खराब होगा। स्कूल में तो एसी है नहीं, बाहर में तो एसी है नहीं, और फिर उसके साथ ही कूलर में भी काफी दिक्कत होती है, देखा मैंने सुना है। तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? तो यही सोच सोच के ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन क्या करे, चलो वीडियो तो बनाना ही पड़ता है। और जबकि मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो ये तो मेरा काम है, तो उसी वजह से जो है सुबह से मैं जल्दी जल्दी आज खाना बना ली, और उसके बाद जो है क्योंकि गर्मी बहुत है तो यहाँ पे देखिए बेटे का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, मैंने सोचा उसके लिए एक बना देते ग्लूकॉन डी डाल के थोड़ा सा पानी बना दे रही हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस गर्मी में। और जो है इसीलिए मैं बार बार उसको कभी नींबू पानी, कभी ग्लूकॉन डी, इस तरीके का पानी देते रहती हूँ, क्लासेस के बीच में ही जाके देते रहती हूँ। स्कूल जाता था तब भी मैं बॉटल में देती थी, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं थैंक्स टू टीचर्स के, उन्होंने इतना अच्छा एक बोलते हैं ना इनिशिएटिव लिया है, तो मैं बहुत उससे तो बहुत ही खुश हूँ, सारे पेरेंट्स ही बहुत खुश है। लेकिन पानी जो है उसको मैं देते रहती हूँ और ताकि उसका जो हेल्थ ठीक रहे, तो वो सब तो हो गया। आज जो रेसिपी यहाँ पे बना रही हूँ, जो शेयर करूंगी, तो वो बहुत ही एक ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है, और जो कि आई एम श्योर के शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा। तो इसको देखिए मैंने लिया है बरबट्टी, बहुत ही जन बरबट्टी खाते हैं हम लोग, सब्जी खाते हैं, भुंजिया खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बरबट्टी मैंने तो मेरे घर में इस बार पहली बार बनाई हूँ, और बहुत ही टेस्टी बना था। गर्मियों में आप एक बार ट्राई करिए, बहुत यम्मी लगता है। तो इसके लिए ना बरबट्टी को पहले आपको उबाल लेना है और उसको साइड में रख लेना है, थोड़ा देर ठंडा कर लेना है, और सरसों तेल में थोड़ा सा लहसुन की कलियां, साथ में सूखा मिर्च डाल के इसको ना हल्का सा भून लेना है। तो सारी चीजों को आप भून लेंगे और उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हो, मेरे पास सील पत्थर है तो मैं इसका यूज कर ले रही हूँ। और कभी कभी जो मतलब अगर इस तरीके का कुछ भी भरता टाइप बनाना हुआ तो मैं इसमें बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे आप तो जानते ही हैं, जैसे कि टमाटर की चटनी काफी जन इसी में बनाते हैं, तो उससे ना खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैं भी वही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है प्याज और थोड़ा सा काला जीरा जो कलौंजी भी बोलते हैं, उसके साथ में मैंने ये पेस्ट को डाल दिया है बरबट्टी का। तो सारी चीजों को मैं मिला चुकी हूँ और इसको अब धीरे धीरे हम भूनेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से मिलाते रहेंगे, थोड़ी देर को इसको पका लेना है और तैयार हो जाएगा। इसमें ना आप ऊपर से थोड़ा सा सरसों तेल डाल दीजिए, एकदम बहुत ही टेस्टी यम्मी, गर्मियों में खाने के लिए एकदम परफेक्ट खाना जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था पटल आलू का भुंजिया, साथ में ये भरता, और मैंने आज दाल भी बनाया था वैसे, तो दाल में मैंने ना क्या बनाया, मूंग दाल बनाई थी, तो उसमें मैंने ना डाला था पपीता, ताकि गर्मी है पपीता खाना अच्छा होता है, तो वो भी साथ में नींबू लिया था मैंने, तो नींबू के बिना गर्मियों में खाना जैसे इनकम्प्लीट लगता है, सैलेड हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो यही था आज का, तो आई होप आपको पसंद आया हो। चलिए टाटा।